ये बिल्डिंग है, यहाँ पे है मेरा घर और वो है बस स्टॉप। वहाँ से यहाँ तक आने का वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट, लेकिन मुझे लग गया 6 महीने। बोर्डवॉक लास्ट टाइम नहीं था यहाँ पे, पता नहीं क्या बनाया हुआ है, बट वुडन फ्लोर है और साइड में कुछ अट्रैक्टिव से डिजाइन है। अच्छा था, फोटो तो खींच ली। अब चलते हैं सीएन टावर, वो ये रहा। सो गाइस, आज हमारा प्लान है सबसे पहले सीएन टावर, उसकी रिजर्वेशन हमने करा रखी है। और पीछे जय जो कि 1 घंटा लेट आया है, एंड हमारे पास अभी है अराउंड 1 घंटा। सो मेरे पीछे है विशल ब्रूइंग, ये है यहाँ की बियर फैक्ट्री और यहाँ पे कनाडा की ओरिजिनल ऑथेंटिक बियर बनती है और यहीं पे सर्व की जाती है। तो फिलहाल हम ट्राई करते हैं, अगर हमें यहाँ पे सीट अवेलेबल मिल गई तो वी कैन टेस्ट समथिंग। लास्ट टाइम प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमें उन्होंने 1.5 घंटे बाद का टाइम दिया था, जो कि पॉसिबल नहीं था, और आज भी हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। सो गाइस, ये है सीएन टावर का रास्ता, इसके पीछे इधर रिफ्लेक्टेरियम जो कि हम लास्ट वीक ख़त्म कर चुके हैं, और इधर साइड में रोजर सेंटर कोई स्टेडियम है, और बैक साइड पे टोरंटो आइलैंड। द फर्स्ट टारगेट इज सीएन टावर एंड उसके बाद टोरंटो आइलैंड। ये बगल में हमारे बच्चा एक मंगवाते हुए, और ये भी हमारे साथ जाएगा, तो उम्मीद है कि हमारी ट्रिप बर्बाद होने वाली है। तो हमारी टिकट टाइमिंग है 2 बजे की और अभी बज रहा है 1:40, यानी कि हमें एंट्री 15 मिनट पहले मिलेगी, तो 5 मिनट वेट करना पड़ रहा है। और यहाँ पे बिना मास्क के आना अलाउ नहीं है, और सिक्योरिटी चेक तो ऐसा है जैसे कि फ़्लाइट में बोर्ड होने जा रहे हैं। और सामने है एंट्रेंस। जो पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, लाइक जो मेरा रिजर्वेशन टिकट था वो खो गया, मुझे 10-15 मिनट लग गए वहाँ पे ढूंढने में। और ये है यहाँ की शॉपिंग डेस्टिनेशन, यानी कि अगर कुछ ख़रीदना है लाइक मैनेजमेंट तो ले सकते हो। अब देखते हैं यहाँ का सीन और नज़ारे। के जस्ट ऊपर है रेस्टोरेंट 360 और इसके भी ऊपर है स्काई वॉक।
स्काई वॉक का कॉस्ट है अराउंड $195 प्लस टैक्सेस, जिसमें आप वहाँ से बाहर निकल के वॉक कर सकते हैं। फिलहाल तो यहीं से देख के डर लगता है। तो ये जो पीछे की साइड आपको दिख रहा होगा, ये एयरपोर्ट है, यहाँ का डोमेस्टिक एयरपोर्ट, सम नाम लिख दूंगा यहाँ पर, याद नहीं आ रहा है। और व्यू अच्छा है बट शोर बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं। ये जो ग्रीन बस है, ये है गोल स्टेशन, यूनियन स्टेशन, जहाँ से हम इधर आए थे। और वापस जाने के लिए भी मुझे यहीं से लेना पड़ेगा। जो आगे का प्लान है वो है फेरी लेके, तो इधर से ही वापस, दैट इज़ वाटर बॉडीज। सामने जो आइलैंड दिख रहा है वो है टोरंटो आइलैंड, हमें वहाँ जाना है। वहाँ के लिए हमें फेरी लेनी पड़ेगी, फेरी मिलेगी यहाँ से, तो फिर हमें यहाँ से ऐसे इधर कहीं पहुँचना है। तो दिस इज़ टोरंटो आइलैंड, और आवाज़ भगवान भरोसे रिकॉर्ड हो रही है। और जो फेरी का कॉस्ट है वो है अराउंड $8.19 फॉर बोथ साइड। और अगर लेट हो गया तो बेटा फिर खुद की टैक्सी लेके आओ, ऑटो टैक्सी, दैट इज़ $10। बट अभी फ़िलहाल यहीं पे मज़े ले लेते हैं। पीछे जय बोर हो गया पूरी तरह से। के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, है फ्लोर अच्छा है इसका। अच्छा, ग्लास भी तो है, इसे पूछते ना। नेक्स्ट फ्लोर में है ग्लास फ्लोर, यानी पूरा ग्लास करें, जिससे हम अराउंड 500 मीटर हाइट पे अपने आप को उड़ता हुआ फील कर पाएंगे। ये फ्लोर मैंने रखा जो ओपन है, उस ग्लास कवर्ड फ्लोर के जस्ट नीचे। और शायद इसके भी स्काई वॉक के लिए इसके ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है, डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं है क्योंकि पूरा उन्होंने जाली से कवर कर रखा है। और सामने मम्मी ने अपने बेटे को सूत दिया है, बेचारा रो रहा है, उसको रोने की परमिशन भी नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ सीएन टावर, और सामने गोरिल्ले की फोटो लेने चलते हैं। हर मॉन्यूमेंट के साथ में एक शॉप होती है जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सीएन टावर की शॉप है, बहुत ही खूबसूरत बनाई है, और बांस खटाने की परमिशन नहीं है, तो ऐसे ही ब्लॉगिंग करनी पड़ रही। मेड इन चाइना का ये 50 सेंट का भी नहीं होगा। यहाँ कितने का बिकता है? यहाँ पर $6 का बिकता। ये किचन जरा सा, हाँ। और ये पीछे है नए लोगों की लाइन। डेस्टिनेशन है टोरंटो आइलैंड, हमें पहले पहुंचना है फेरी के पास। कौन सा फेरी है ये भगवान जाने, और जय को लगा दिया है काम पे। वॉकिंग बहुत है लेकिन कितना, मतलब इतना, अरे यार वहाँ पे वो ट्रेन था मैंने देखा था, अरे इतना सही ट्रेन में रास्ता है, 5-10-16 ट्रेन जो है इतना सही है। कहाँ से मिलेगा इसके लिए भी थोड़ा सा चलना होगा, 5 मिनट। चलो देखते किधर।